जरा जिंदगी हम तेरे आगे खड़ी जादो दुनिया जादो 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 दुनिया जादो जादो अस्सलामुअलैकुम और बहुत बहुत खुशामदीद जागो दुनिया आपके शो पे मैं हूँ आपकी होस्ट ZQ मलिया गिलानी वेलकम टू जागो दुनिया थैंक यू सो मच और मलिया आपको पता है ना कि माइक लगा हुआ है कोई जेरे लब कुछ बात ना कीजिएगा नहीं वरना वो नहीं जो कल प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ साहब के जो जेरे लब बात हुई है वो सबको पता चल बिल्कुल सबको पता चल गई है और अच्छी बात है कि मुझे भी पता है वरना मैं कह देती कि मेरी मैक की लिपस्टिक चोरी हुई है नीचे मेकअप डिपार्टमेंट से तो अच्छी बात है ना कि मैंने नहीं कहा जी तो मुझे ये बताइए कि ये जो वर्ल्ड बैंक के साथ ये बहुत ही सीरियस ये न्यूज़ है कि वर्ल्ड बैंक ने जो भी कहा IMF की हम हमेशा बात सुनते हैं क्योंकि हम किशकोल लेकर बेगर्स कांट बी चूजर्स वो कहते हैं कि जी आप स्ट्रक्चर चेंज कर दें तो वो हम लोग अपने गवर्नमेंट के अंदर जो बीच में फाइनेंस की और वो जो टैक्स की जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी हम चेंज कर देते हैं. अब ये हो रहा है कि एक इंस्पेक्शन पैनल आ रहा है पाकिस्तान इस चीज़ को रिव्यू करने के लिए और वर्ल्ड बैंक ने बड़ी कन्वीनियंटली कहा है कि जी हमारा इससे कोई काम नहीं है हम पीछे हो गए. तो जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो चेयरमैन है सुहेल अहमद साहब उन्होंने कहा कि जी हमने तो वही किया जो वर्ल्ड बैंक ने कहा और जो IMF ने हमें कहा ये तो हमें पता है कि IMF कहता है छलांग मारो हम कहते हैं कितनी ऊंची हम ये नहीं कहते कि नहीं एक सेकंड हम क्यों छलांग मारें आप अगर हमें कोई लोन दे रहे हैं तो आप कोई हमारे सर पर एहसान नहीं करें आप ही इंटरेस्ट लेंगे. अब उसी के साथ लिंक्ड बात यह है कि ज़रा आप ये वर्ल्ड बैंक का ये जो मसला है इसके ऊपर ज़रा आप रोशनी डालिए. ज़ैनब ये एक प्रोजेक्ट था दैट वाज पावर्टी रिडक्शन सपोर्ट क्रेडिट बिल्कुल और उसमें अब तक ये था कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान इसमें माहदा हुआ था और उन्होंने आपको कुछ पैसे देने थे या कुछ एड फ्राहम करनी थी. $300 मिलियन का तो अभी तनाजा है ना द प्रोजेक्ट इट वाज मच मच मोर दैट वाज 6.5 बिलियन. अब आपको जब हर आपको पता है कि फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर किस्तें रिलीज होती हैं आपको उनकी कंडीशंस कोई ना कोई फुलफिल करनी पड़ती हैं. इफ़ यू फेल टू डू सो आपको फिर वो किस्त रिलीज नहीं की जाती ना उसकी अगली इंस्टॉलमेंट आपको नहीं रिलीज की जाती. अब हुआ यहाँ पे ये है कि इन्होंने फिर पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जी हमें IMF की शरायत और वर्ल्ड बैंक की शरायत के मुताबिक एक इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम जो था वो यहाँ पे जनरेट किया IRS इनलैंड रेवेन्यू सिस्टम. अच्छा वी हैव अ कॉलर हमारे जो बिजनेस डेस्क के अनीस शेख साहब हैं हम उनसे जरा कहते हैं कि इसके ऊपर लाइट डालें. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम ज़ैनब. जी सुने ये आपने वर्ल्ड बैंक का ये क्या चीज है हम तो बहुत अलार्म है कि किशकोल लेकर गए अब पैसे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा. देखिए जहाँ तक ताल्लुक है हमारे इदारों का और हमारे इदारों की करप्शन का तो ये कोई पहला वाकया तो है नहीं जी. हम हमेशा ये देखते आए हैं और जब हम वर्ल्ड बैंक से या IMF से डील करते हैं तो ये जो है हमें गाइडलाइंस दे देते हैं कि जी हमें फला आपको पैसा दे रहे हैं आपको इस मद में खर्च कर. अब होता ये है जैसे कि आपको मलिया डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास एक पैसा आ जाता है और उसके बाद आपने उसको एक स्पेशल रिफॉर्म्स के अंदर या किसी भी किस्म की फंक्शनिंग के अंदर आपने खर्च करना होता है. जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके जो कारनामे हैं ना आपसे छुपे हुए हैं ना मुझसे छुपे हुए आप उसके दरमियान में वो कहाँ स्लिप हो जाता है क्या कौन सी तरीकों से दिखाया जाता है कि पेपर्स के अंदर तो ये काम हो रहा है लेकिन वो जा किस तरफ रहा होता है ये हम सबको पता है. अली साहब मैं आपकी यहाँ पे बात एक सेकंड के लिए इसलिए काट रही हूँ कि जो गाइडलाइंस हमें वर्ल्ड बैंक और IMF ने दी ये सुहेल अहमद साहब जो FBR के जो चेयरमैन है उन्होंने भी कहा कि हमने उनको फॉलो किया है लेकिन अब जो इंस्पेक्शन पैनल आ रहा है उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक भी पीछे हो गया जो पेमेंट हमें आनी थी वो भी नहीं आ रही उन्होंने अभी सस्पेंड कर दिया. तो इसके ऊपर आप जरा रोशनी डालें कि जो उन्होंने कहा था गाइडलाइन हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं. देखिए वो तो ये कह रहे हैं ना कि वो फॉलो कर रहे हैं लेकिन अगर ऐसा इनफैक्ट हुआ होता फिर उनको क्या जरूरत थी अपनी टीम भेजने की. इसका मतलब है दे हैव अ कंप्लेन. थैंक यू सो मच अनीस साहब. जो हमारा आज का सवाल है उस पे जाते हैं कि दुनिया क्या कहती है आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोग क्या कहते हैं. जो हमारा आज का सवाल है वो ये है कि क्या इस मरतबा इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा ही एम्फेसिस क्या इस मरतबा हुकूमत अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद और 17वीं तरमीम के खात्मे के लिए किए गए वादों पर अमल करेगी हाँ या ना. मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि क्या इस मरतबा हुकूमत अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद और 17वीं तरमीम के खात्मे के लिए किए गए वादों पर अमल करेगी हाँ या ना. पूरा दिन हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी आप हमें या तो लाइव कॉल कीजिए हमें SMS कीजिए 6622 पे हमारी वेबसाइट पे आप अपना ओपिनियन दर्ज कीजिए या फिर आप हमें ईमेल कीजिए jago@duniatv.tv पे.
ये मैं बताती चलूं कि जो हमारा कल का सवाल था मलिया, वो ये था कि क्या 17वीं तरमीम के फौरी खात्मे से मुल्क में मौजूद सियासी बहरान का खात्मा हो जाएगा? तो 52% ने कहा है कि हाँ और 48% ने कहा है नहीं, नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आज का भी सवाल क्लोज बहुत, मेरी जवाब से हमेशा फिगर्स के बारे में बात होती है। मैं कहती हूँ ना कि अगर इस तरह ये 50-50 है, लोग पीपल दे आर इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन के लोगों का ये मसला नहीं है ना। पीपल आर नॉट कंसर्न अबाउट द 17th अमेंडमेंट, होती है नहीं होती, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। फिर अब आप कह रही हैं वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कल एक और खुशखबरी अनाउंस की है कि जी मैं एक और खुशखबरी कौम सुनेगी। आप ये एवरी टाइम आपका प्राइम मिनिस्टर जब ये कह रहा होता है ना कि कौम एक और खुशखबरी सुनेगी, और खुशखबरी हमेशा इसी एक चीज से रिलेटेड होती है कि एक ऐसी कमिटमेंट जो आपकी गवर्नमेंट ने की अपनी ऐसी एक ऐसी पार्टी के साथ, दैट इज आल्सो देयर पार्टनर, बिल्कुल, एंड दे आर शेयरिंग द गवर्नमेंट विद, उसके साथ आपने एक ऐसा वादा किया आप पूरा नहीं कर रहे, और फिर आप कह रहे हैं कि कौम खुशखबरी सुनेगी। इसका मतलब यह है कि आप एवरी टाइम यू मेक अ प्रॉमिस ऑफ अ खुशखबरी तो आप अपनी एक कमजोरी को हाईलाइट कर रहे हो। मलिया थैंक यू सो मच, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगी तो हम ये इसके ऊपर और भी जो बहुत से टॉपिक्स थे जो हमने सोचे थे कि हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट देम नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। और इस वक्त हम जाते हैं कि भावताओं की तरफ जाते हैं और एक छोटी सी ब्रेक पे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में फर्क। लाहौर गोभी 9 से 10 और 11 से 12 रुपए, भिंडी 63 से 78 और 67 से 83 रुपए, सेब 75 से 90 और 78 से 94 रुपए, किनू फी दर्जन 22 से 38 और 26 से 42 रुपए, चीनी फी किलो 65 से 66 और 67 से 68 रुपए। कराची गोभी 12 से 14 और 14 से 16 रुपए, भिंडी 80 से 85 और 85 से 90 रुपए, सेब 90 से 100 और 100 से 110 रुपए, किनू फी दर्जन 40 से 50 और 44 से 54 रुपए, चीनी 65 से 66 और 67 से 68 रुपए। कोयटा गोभी 14 से 18 और 16 से 20 रुपए, भिंडी 90 से 95 और 95 से 100 रुपए, सेब 40 से 50 और 50 से 60 रुपए, किनू फी दर्जन 20 से 25 और 25 से 30 रुपए, चीनी 66 से 67 और 68 से 70 रुपए। पिशावर गोभी 10 से 12 और 12 से 14 रुपए, भिंडी 70 से 80 और 80 से 85 रुपए, सेब 50 से 70 और 60 से 80 रुपए, किनू 36 से 56 और 40 से 60 रुपए, चीनी 66 से 67 और 68 से 70 रुपए। रावलपिंडी इस्लामाबाद गोभी 10 से 12 और 12 से 14 रुपए, भिंडी 75 से 80 और 80 से 85 रुपए, सेब 80 से 85 और 85 से 90 रुपए, किनू 30 से 40 और 35 से 45 रुपए, चीनी 66 से 67 और 68 से 70 रुपए। मुजफ्फराबाद गोभी 22 से 27 और 25 से 30 रुपए, भिंडी 85 से 90 और 90 से 95 रुपए, सेब 55 से 60 और 60 से 65 रुपए, किनू 30 से 40 और 35 से 45 रुपए, चीनी 66 से 67 और 68 से 70 रुपए। मुल्तान गोभी 10 से 12 और 12 से 14 रुपए, भिंडी 75 से 80 और 80 से 85 रुपए, सेब 70 से 85 और 80 से 100 रुपए, किनू 30 से 40 और 35 से 45 रुपए, चीनी 66 से 67 और 68 से 70 रुपए। फैसलाबाद गोभी 8 से 10 और 10 से 12 रुपए, भिंडी 85 से 95 और 90 से 100 रुपए, सेब 80 से 85 और 85 से 90 रुपए, किनू 25 से 35 और 30 से 40 रुपए, चीनी 66 से 67 और 68 से 70 रुपए।